हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मंगल रेमिंगटन गेल के स्पेशल कैरेक्टर पर पार्ट 4। दोस्तों, ये जो पार्ट 4 है, ये मैंने अपने व्यूअर के सवालों का जवाब देने के लिए बनाया है। इस वीडियो में आपने मुझसे जो सवाल पूछे हैं, मैंने उनका उत्तर देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शब्द है वह है गुरु। इसमें जो रा है वह कई लोगों से नहीं बनता है, तो मैं ये आपको बना के बताता हूं। अब देखिए, अब इसके लिए हमें रा बनाना होगा। रा आपका जे से बनता है, आपके कीबोर्ड में जो जे बटन है उससे रा बनता है। मैं आपको कीबोर्ड द्वारा बता देता हूं, मैं फिर से इसको मिटाता हूं ऊपर। आप सबसे पहले इस बटन को दबाएंगे तो रा बनेगा, उसके बाद आपका छोटा रू बनाने के लिए आपको क्यू बटन प्रेस कर देना है। जी हाँ, तो बिल्कुल आपका इसी तरह से रू दिखने लगेगा। मैं एक बार आपको फिर से रा बना के बता देता हूँ, पहले मैं इसको काटता हूँ। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड में जे दबाना है, जिससे कि रा बनेगा, और उसके बाद क्यू दबा देना। तो आप यह बनाना सीख गए होंगे। अगर दिक्कत कोई आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब हम अपने अगले शब्द। ये है तो इस शब्द के लिए इंग्लिश में तो दिखता है या कीबोर्ड पे इस की से बन जाता है, मगर हिंदी के लिए हमें इसके लिए शिफ्ट के साथ 2 दबाना होगा। यह जो ऊपर न्यूमेरिक लाइन दिख रही है आपको 1 2 3 वाली, इसमें आप शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो देखिए। तो अब पढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की ओर। हमारा जो अगला शब्द है वह है डॉट। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में डॉट बनाने के लिए मैं आपको बताता हूं कौन सी की आपको प्रेस करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आप शिफ्ट बटन दबाइए और शिफ्ट के साथ आप ये जो माइनस का चिन्ह बना हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका डॉट बन जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, शिफ्ट के साथ डॉट पर और यह डॉट बन जाएगा। आप शिफ्ट के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आपका डॉट का निशान बन जाएगा। तो अगला शब्द जो हमारे पास है वह है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। दोस्तों, हिंदी के रेमिंगटन गेल में आपको इन्वर्टेड कॉमा खोलने के लिए शिफ्ट के साथ 6 दबाना होगा। मैं आपको बनाकर बताता हूँ। शिफ्ट दबाइए और 6 दबा, ठीक है। और इसको अगर आपको बंद करना है तो आप शिफ्ट के साथ 7 दबा दीजिए, और जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यह कई व्यू में आ जाएगा। तो खोलने के लिए शिफ्ट के साथ 6 और बंद करने के लिए शिफ्ट के साथ 7। हमारा नीचे वाला जो सिंबल है वो भी मैंने आपको बना के बता दिया है इसी बॉक्स में। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले शब्द की ओर। अगला यह शब्द फिर से इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो इसको हम बना देते हैं उसी तरीके से, शब्द के साथ 6 और शब्द के साथ। हाँ, और इसके बाद जो शब्द है वह है डैश। डैश हमें अपने मंगल रेमिंगटन गेल में बनाने के लिए शिफ्ट के साथ 5 दबाना हो। जी हाँ दोस्तों, आप शिफ्ट के साथ 5 दबाएंगे तो यह डैश बन जाएगा। मेरे कमेंट में कई लोगों ने इसको पूछा था, इसका जवाब मैं आज इस अपने वीडियो में दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला जो सिंबल है हमारे सामने देखते हैं, कॉलन का निशान है ये।
इसको बनाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ अपने कीबोर्ड में ये थ्री प्रेस करना हो। पहले आप मैं एक बार फिर बता देता हूँ, शिफ्ट दबाइए, फिर ये जो थ्री दिख रहा है आपको, तो यह आपका कैरेक्टर बन जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कॉमा। दोस्तों कॉमा बनाने के लिए आपको ये वाली की प्रेस करनी होगी, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका कॉमा बन जाएगा। देखिए आपका कॉमा बन जाएगा, फिर बता देता हूँ आपको, इसको प्रेस करने पर आपका कॉमा बन जाएगा। इसके बाद यह है हमारे पास, यह है, ये आप जब कुछ कृषि वगैरह लिखते हैं तो यह राखी रकार लगाते हैं, तो इसके लिए पहले हमने एक ता बना लेते हैं और इस पर इस प्रकार की रकार लगाने के लिए आपको सिंपल अपने कीबोर्ड में ये जो प्लस दिख रहा है इसको दबाना होगा, तो आपका ये आला सिंपल बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं उन सवालों का जवाब आपको दे सकूं। धन्यवाद।